नमस्कार दोस्तों, 59 किलोग्राम भार वर्ग की पहलवान सरिता मोर ने स्वीडन की सारा योहाना को 8-2 से हराकर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है। सरिता ने स्वीडन के खिलाड़ी के खिलाफ अच्छी शुरुआत करते हुए 4 अंक जुटाए और फिर टेक डाउन के साथ 2 अंक और हासिल किए। गत एशिया चैंपियनशिप सरिता मोर पहले हाफ के बाद 6-0 के बढ़त से आगे थी। उन्होंने दूसरे हाफ की शुरुआत में 8-0 की बढ़त कर ली। अंतिम क्षणों में सरिता ने टेक डाउन से अंक गंवाए, लेकिन पर्याप्त बढ़त के कारण आसान जीत दर्ज करने में सफल रही। सरिता का विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में यह 6ठे प्रयास में पहला मेडल है। इससे पहले वह एक बार अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप और 4 बार सीनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पदक जीतने में नाकामयाब रही है। इस वर्ल्ड चैंपियनशिप में सरिता ने शुरू से ही जबरदस्त खेल दिखाया है। उन्होंने जर्मनी के पहलवान को 3-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया था। यहाँ उनका मुकाबला था बुल्गारिया की पहलवान, 5 बार की यूरोपियन चैंपियन और 2018 की सीनियर वर्ल्ड चैंपियन की डिफेंडिंग चैंपियन से। यह मुकाबला भी जबरदस्त टक्कर को देखने का मिला। पहलवान सरिता मोर ने यहाँ कोई भी अंक लेने में नाकामयाब रही। वहीं बुल्गारिया की पहलवान ने 3 अंक बटोरे और सेमीफाइनल मुकाबले को 3-0 से अपने नाम कर लिया और फाइनल में जापान के पहलवान को हराकर वर्ल्ड चैंपियन का खिताब अपने नाम करने में कामयाब रही। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।